हेलो गाइज, मेरे पास जो फ़ोन है वो है सैमसंग का। ये किसी रिटेलर से जो है आया हुआ है और ये डेड कंडीशन में है और इसमें जो है शॉर्ट है, थोड़ा बहुत मतलब हाफ शॉर्टिंग है इसमें। और आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इसके काफ़ी कैपेसिटर निकाले हुए हैं, यहाँ पे कुछ काम किया हुआ है, कॉइल भी निकाला हुआ है। तो चलिए जो है हम इसको स्टेप बाय फॉलो करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर ले लिया है, इसको बजर मोड पे रख लूँगा और इसके बाद जो है इसको चेक करने वाला हूँ। सो गाइस, जो यहाँ पे जो मैंने अभी जो चेक कर रहा हूँ ये VPH लाइन है, और VPH लाइन आप देख सकते हैं, जैसे मैंने रेड क्रॉक से चेक कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे 600 के आसपास जो है मिल रहा है रीडिंग, जबकि यहाँ पे कोई रीडिंग मिलना नहीं चाहिए था। अगर मिल भी रहा है तो वो जो है 1000 के ऊपर रीडिंग मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे 600 के आसपास रीडिंग आ रहा है। तो कुछ ना कुछ जो है शॉर्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे काफ़ी जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उन सभी को एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कोई फुल शॉर्टिंग है या नहीं है, क्या है। सो गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, तो कोई भी जो ऐसा कोई कैपेसिटर यहाँ पे कुछ भी जो है फुल शॉर्ट नज़र नहीं आ रहा, बाकी जो VPH लाइन है वो हाफ शॉर्टिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे VPH लाइन पे जो है मैंने इसके ऊपर 4 वोल्ट की जो DC वोल्ट है, 4 वोल्ट उसका भी मैंने यहाँ पे जो है टच करके देखा हूँ, तो वो ऑटो एम्पियर ले रहा है और सिर्फ 16 तक जा रहा है ऑटो एम्पियर। अब आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर 16 एम्पियर ले 16, तो उसमें हमको कुछ पता नहीं लगेगा कि क्या हिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत ही बारीक से जो है इसका शॉर्टिंग है। तो गाइस, इस तरफ जैसे कि यहाँ पे काफ़ी कैपेसिटर निकाले हुए हैं और कॉइल भी निकाला हुआ है यहाँ से, मतलब इधर कुछ ना कुछ मुझे ऐसा शक हो रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है ये IC शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर इसके नीचे जो ये IC है ये वाला भी शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए इस IC को जो है हम यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर चेक करेंगे।
गाइस आईसी को जैसे मैंने निकाल लिया है, अभी जो है मदरबोर्ड वो अभी हीट है, मतलब कि गर्म है, तो उसी के ऊपर जो है मैं यहाँ पे पहले क्लीन कर लूँगा फटाक से। तो इसके बाद जो है नीचे वाला ये आईसी है, इसी को भी मैं यहाँ से निकाल लूँगा और इसको भी क्लीन करूँगा। सो गाइज उसके बाद जो है वीपीएच का जो लाइन है उसको हम अभी चेक कर रहे हैं। सो गाइज अभी भी यहाँ पे 600 के आसपास रीडिंग आ रहा है, ठीक है। अभी भी जो शॉर्ट है वो हमारा निकला नहीं है, अभी भी शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए इसका जो एक आईसी है इसके ऊपर और शक है मुझे, तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस आईसी को निकाल लिया हूँ और रजिस्टर को भी जो है हटा दिया हूँ। अभी चेक कर रहा हूँ तो देखिए अभी भी जो है शॉर्ट है। जी हाँ दोस्तों, अब जो है मुझे जो करना है काम वो पावर आईसी के ऊपर करना है, ठीक है। तो जो ये पावर आईसी लगा हुआ है इसको हम निकालने वाले हैं फाइनली, क्योंकि डायरेक्ट हम पावर आईसी नहीं निकाल सकते। उससे पहले जो वहाँ पे जो मुझे दिख रहा था शॉर्टिंग कुछ, तो उसके ऊपर काम किया मैंने और वहाँ से शॉर्टिंग नहीं निकला। इस वजह से जो है हम उसके बाद जो है पावर आईसी के ऊपर आए हैं, और अभी हम पावर आईसी को निकाल दिया हूँ। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कि शॉर्टिंग हट चुका है बिल्कुल, ठीक है। सो गाइस इस आईसी का जो मैं नंबर देखूँगा तो यहाँ पे PM660 नंबर है, और PM660 नंबर है। इस आईसी को हम चेंज करने वाले हैं, यहाँ पे मैं एक न्यू आईसी लगाऊंगा। तो उससे पहले जो है मैं बोर्ड को क्लीन कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे आईसी लगाएंगे और फिर चेक करते हैं। सो गाइस आईसी जो है बिल्कुल लग चुका है। अभी हम एक बार फाइनली जो है शॉर्टिंग चेक करने वाले हैं। देखिए वापस से हमने बजर मोड पे लिया लिया है और अभी चेक करेंगे। एक तरफ रीडिंग आ रहा है यहाँ पे 300 और दूसरी तरफ चेक कर रहे हैं हम, ये देखिए फ्रेंड 1000 के ऊपर रीडिंग आने लगा। पहले कितना आ रहा था यहाँ पे, 600 की रीडिंग आ रहा था, ठीक है। और अभी 1000 के आसपास आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 से ऊपर रीडिंग आए तो वो शॉर्टिंग नहीं माना जाता, ठीक है। तो चलिए जो इसके जो बैक साइड में जो हमने यहाँ पे आईसी निकाला हुआ है और पहले से जो ये कैपेसिटर निकले हुए हैं, रजिस्टर है, इन सभी को हम यहाँ से लगा लेंगे और उसके बाद जो है सेट को ऑन करके दिखाएंगे आपको। सो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाक से फॉरवर्ड करता हूँ और इसको फटाक से लगा के चेक कर लेंगे।
सो गाइस जो जहाँ से जैसे मैंने आईसी निकाला है वैसे की वैसे सभी आईसी को रिबॉल करके अच्छे से लगा दिया हूँ। अभी हम इसको जो है मदरबोर्ड को फिक्स करेंगे और ऑन करके देखते हैं। जो है हमने काफ़ी यहाँ पे मेहनत की है, ऑन होता है या नहीं वो तो हमें अभी पता चल जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ़ोन ऑन हो चुका है। ठीक है गाइस, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।